हेलो स्टूडेंट्स, आज का यह वीडियो में आपको बताया जा रहा है परपोषण। परपोषण क्या है, यह विशेष तौर से क्लास टेंथ के बच्चों के लिए बनाया जा रहा है। पिछले वीडियो तक आपने देखा था कि जो है स्वपोषण, प्रकाश संश्लेषण, और उसके विषय में आपने जाना कि होता क्या है, उसकी क्रिया विधि, आवश्यक बातें, तमाम बातें आपने जाने। और आज हम देखेंगे बायोलॉजी में परपोषण। परपोषण है क्या, देखिए, हेटरोट्रॉपिक निषेचन, विषमपोषी पोषण, अर्थात परपोषण। पर मतलब होता है दूसरों से, और पोषण मतलब पोषक पदार्थ प्राप्त करना। कुछ जीव, बहुत सारे जितने जंतु हैं, केवल पैरामीशियम को छोड़कर। पैरामीशियम एक ऐसा जंतु है जो स्वपोषण भी करता है और परपोषण भी करता है, क्योंकि उसमें हरा रंग पाया जाता है। तो पैरामीशियम को छोड़कर से सभी जीव जंतु से सभी जंतु परपोषण करते हैं। ऐसा नहीं कि सारे पौधे परपोषण नहीं करते। फंजाई यानी कवक, बैक्टीरिया तथा कुछ अन्य पौधे भी हैं जो परपोषण करते हैं। तो पहले हम देखते हैं परपोषण है क्या। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, अतः वे अपना पोषण दूसरे जीव से प्राप्त करते हैं। मतलब ऐसे जीव जो अपना भोजन यानी पोषक पदार्थ स्वयं निर्मित नहीं कर पाते हैं, अपने पोषक पदार्थ को वह किसी दूसरे जीव से प्राप्त करते हैं, उन्हें हम विषमपोषी या परपोषी कहते हैं। और इन्हीं जीवों के पोषण विधि को परपोषण कहते हैं। समझ में आ गया। ऐसे जीव जो अपना पोषक पदार्थ या भोजन किसी दूसरे जीव, चाहे वो जीवित हो या मृत हो, से प्राप्त करते हैं, ऐसे जीवों को हम परपोषी या विषमपोषी जीव कहते हैं, तथा इन जीवों के पोषण विधि को परपोषण या विषमपोषण कहते हैं। जैसे सभी जंतु पैरामीशियम को छोड़कर, और कवक, जीवाणु आदि। अब यह जो परपोषण है, परपोषी जीव है या परपोषण है, वो तीन प्रकार का मुख्य रूप से होता है। परजीवी, जब कोई जीव दूसरे जीवित जीव से अपना पोषक पदार्थ प्राप्त करता है, तो इस पोषण विधि को हम परपोषी पोषण कहते, परजीवी पोषण कहते हैं, और उस जीव को परजीवी कहते हैं। जैसे आपके पेट में पड़ने वाला एस्केरिस, केचुआ, जोंक, जुए, मच्छर, ये सब जीवित जीव से प्राप्त करते हैं, किसी मरे हुए जीव से अपना पोषक पदार्थ प्राप्त नहीं करते हैं। उन्हें देखें, परजीवी पोषण क्या है या परजीवी क्या होते हैं। वे जीव दो दूसरे जीवित जीव से अपना पोषक पदार्थ प्राप्त करते हैं, उन जीवों को परजीवी कहते हैं, इनकी पोषण रीति को परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे एस्केरिस जो आपके पेट में पड़ता है, केचुआ, फीता क्रिम, जुए, मच्छर, जोंक आदि।
मृतोपजीवी वह जीव जो दूसरे मरे हुए जीव से अपना पोषक पदार्थ प्राप्त करता है, यानी दूसरे जीव को मार कर खाता है या मर गया है उसके शरीर को खाता है, उसे हम मृतोपजीवी कहते हैं। जैसे कुत्ते, बिल्ली, मनुष्य, ये सब है। तीसरा, सहजीवी। नेचर में कुछ ऐसे भी हैं कि दूसरे जीवित जीव पर यह जीव लग जाते हैं, उनसे पोषण लेते हैं लेकिन उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, उसे भी वह लाभ पहुंचाते हैं। इसमें पौधों में पाया जाता है, जो उदाहरण है वह है लाइकेन, तथा हमारी आंत में पाया जाने वाला जीवाणु इसरिकिया कोलाई। इसके अलावा बेटा कुछ पौधे ऐसे भी हैं, कुछ पौधे ऐसे हैं जो कीटों का भक्षण करते हैं, उन्हें कीट भक्षी पौधे कहते हैं, जिन्हें आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। अब आते हैं, अब हमने समझा पोषण क्या है। पोषण क्या है? जीव द्वारा अपने वातावरण से पोषक पदार्थ या भोजन पदार्थ प्राप्त करना और उसे उपयोगी बनाना, यह क्रिया पोषण कहलाती है। पोषण से आप क्या समझते हैं? जीवों द्वारा अपने वातावरण से पोषक पदार्थों या भोजन पदार्थों को प्राप्त करके उपयोगी बनाना पोषण कहलाता है। अब देखें, यह पोषण क्रिया 5 चरणों में पूरी होती है। ध्यान रहे, विषम कोशी पोषण में पोषण क्रिया 5 चरणों में पूरी होती है। पहला है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण क्या है? वातावरण से भोजन पदार्थ को शरीर के अंदर लेना या प्राप्त करना, शरीर के अंदर पहुंचाना पोषण क्रिया कहलाती है, अंतर्ग्रहण कहलाती है। जीव द्वारा वातावरण से पोषक पदार्थों को शरीर के अंदर लेना अंतर्ग्रहण कहलाता है। जैसे हम लोग भोजन को थाली में रख कर और हाथ द्वारा उठाकर मुंह के अंदर पहुंचाते हैं, तो मुंह के अंदर तक पहुंचना अंतर्ग्रहण है। पाचन। पाचन एक जैव रासायनिक क्रिया है, जिसमें शरीर के अंदर आए हुए जटिल भोजन पदार्थों को सरल विसरणशील अणुओं में तोड़ा जाता है, इसी क्रिया को हम पाचन कहते हैं। पाचन क्या है? भोजन पदार्थों के जटिल व बड़े अणुओं को छोटे तथा सरल विसरणशील अणुओं में तोड़ना पाचन क्रिया कहलाता है। इस प्रकार से पाचन क्रिया एक विघटनकारी यानी टूटने वाली क्रिया है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट के बड़े बड़े अणु वो छोटे छोटे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज आदि में टूट जाते हैं। प्रोटीन के बड़े बड़े अणु एमिनो अम्लों में टूट जाते हैं। वसा के बड़े बड़े अणु वसी अम्ल और ग्लिसराल में टूट जाते हैं। आरएनए डीएनए भी जो है न्यूक्लिक अम्लों में टूट जाते हैं। और इस तरह से ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल, वसा का ग्लिसराल, वसी अम्ल, ये सब अब जो है शरीर में विसरित हो जाते हैं। वह नसों में, रुधिर में, मांस में, कोशिकाओं के अंदर वह प्रवाहित होने योग्य हो जाते हैं, इसी क्रिया को हम पाचन कहते हैं। अवशोषण। पाचन क्रिया से बने सरल अणुओं को रुधिर में पहुंचाना, जीव द्रव्य में पहुंचाना अवशोषण कहलाता है। अर्थात पाचन तंत्र के छोटी आंत से में पचे हुए पाचक अणुओं को
रुधिर में पहुंचाना अवशोषण कहलाता है। स्वांगीकरण, रुधिर में आया हुआ पचा हुआ भोजन पदार्थ कोशिकाओं तक पहुंचता है, जो सरल भोजन पदार्थ के अणु होते हैं। फिर इनसे बड़े बड़े अणु निर्मित होते हैं, कुछ ऊर्जा उत्पादन हो जाता है, कुछ निर्माणकारी क्रियाओं में खर्च हो जाते हैं, फिर वहाँ ही गायब हो जाते हैं। इसी क्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं, अर्थात कोशिकाओं के अंदर आए हुए भोजन पदार्थों का विलीन होना, उपयोगी हो जाना स्वांगीकरण कहलाता है। बहिक्षेपण, पाचन क्रिया से कुछ न कुछ गरिष्ठ जटिल पदार्थ बच जाते हैं, जिनका पाचन नहीं हो पाता है। ऐसे पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना बहिक्षेपण या मल त्याग कहलाता है। बेटा, इतना जानने के बाद अब आपको पढ़ना है अमीबा में पोषण तथा मनुष्य में पोषण। तो हम पहले आते हैं अब अमीबा में पोषण। अब हम देखते हैं अमीबा में पोषण। अमीबा एक कोशिकीय जंतु है, जिसके पूरा शरीर एक ही कोशिका का बना होता है। इस प्रकार से संपूर्ण पोषण क्रिया एक ही कोशिका में उसकी कोशिका कला प्लाज्मा लेमा के द्वारा होती है। अमीबा में ये मान लो अमीबा है, अमीबा का आकार अनियमित है, यह अमीबा है, यहां पर कोई भोजन पदार्थ है। अब पहला चरण इसका शुरू हुआ, अमीबा ने भोजन पदार्थ पहचान लिया, पहला चरण शुरू हुआ। ये अमीबा अब इस भोजन पदार्थ को अपने पूंछ पादों के द्वारा चारों ओर से घेरे। देखिए भोजन पदार्थ, ये इसके कूटपाद, कैसा भी आप अमीबा का आकार बना दीजिए कोई दिक्कत नहीं, ये है भोजन और ये इसके कूटपाद। कूटपाद बनाने के बाद एक वैक्यूल बन जाता है और ये जो है फूड वैक्यूम बनकर इसके शरीर में आ जाता है, खाद्य धानी बन गई और खाद्य धानी में इसके डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये खाद्य धानी में डाइजेस्टिव एंजाइम पहुंचते हैं, पाचन हो जाता है। पाचन होने के बाद ये उसी कोशिका में विसरण क्रिया द्वारा अवशोषण हो जाता है और वो भोजन पदार्थ विलीन हो जाता है। फिर ये खाद्यधानी पीछे की तरफ आती है और फूड शेष बचा वही क्षेपण हो जाता है। शेष बचा भोजन पदार्थ का वही क्षेपण हो जाता है। इस तरह से पाचन क्रिया, एक बार पुनः देखें, लिखेंगे कैसे, पांचों बातें आपको बतानी है कि वो कैसे भोजन का अंतर्ग्रहण करता है, कैसे पाचन करता है, कैसे अवशोषण करता है, कैसे वो स्वांगीकरण करता है और कैसे बहिक्षेपण करता है। ये पांच बातें आपको अमीबा में बताना है। अमीबा का शरीर एक कोशिका का बना होता है, इसकी समस्त क्रियाएं उसकी प्लाज्मा लेमा से होती हैं।
ऐसे प्लाज्मा जहाँ पर अनेक उभार होते हैं जिन्हें कूट पार बनते हैं, जब भोजन पदार्थ इसके समीप आता है तो अपने कूट पारों से इसे चारों ओर घेर लेता है और खाद्य धानी बनाकर उसे शरीर के अंदर कर लेता है। इस तरह अंतर्ग्रहण क्रिया हो जाती है। खाद्य धानी में कोशिका के अंदर जीव ग्रंथ से निकले पाचक रस खाद्य धानी में मिल जाते हैं और भोजन पदार्थों को पचा देते हैं। पचा हुआ भोजन पदार्थ फिर विसरण क्रिया से कोशिका में पहुंच जाता है जहां उसका स्वांगीकरण हो जाता है। शेष बचा पदार्थ खाद्य धानी पीछे की तरफ आकर के प्लाज्मा देना से फट जाती है और उसका शेष पदार्थ बाहर आ जाता है। इस तरह से अमीबा में पोषण पूरा हो जाता है।